चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मार्केट इक्विलिब्रियम, आज इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम था मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर डिमांड किसके बराबर आती है बेटा, सप्लाई के बराबर। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए तो उस केस में मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाता है। आज हमारा टॉपिक होगा बेटा चेन इफेक्ट। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, चेन इफेक्ट। आज का टॉपिक होगा हमारा चेन इफेक्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, चेन इफेक्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अब राजा बेटा, चेन इफेक्ट हमें डिमांड में भी पढ़नी है, हमें डिमांड में भी पढ़नी है, और चेन इफेक्ट हमें सप्लाई के केस में भी पढ़नी है। हमें चेन इफेक्ट सप्लाई के केस में भी पढ़ना है। अब डिमांड के केस में अगर होगा तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा था, शिफ्टिंग के कारण पढ़े थे, शिफ्ट इन डिमांड कर, शिफ्ट इन सप्लाई कर, ये सारे कारण हम लोगों ने पढ़े थे नहीं पढ़े थे, जल्दी बताइए। क्या हमने ये सारे कारण पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बोलो बेटा। शिफ्ट इन सप्लाई कर एंड डिमांड कर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, ये मुझे बताइए जरा। टेढ़ा तो नहीं जाना ना, सही है। चलो, अब डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। डिमांड बेटा इंक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज इन डिमांड, और बेटा डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, उसी प्रकार हम लोगों की जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज भी हो सकती है राजा बेटा, सप्लाई भी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। याद रखिए बेटा, चेन इफेक्ट अगर आ गया तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम बनाना है। अब मुझे बताएगा कोई बच्चा कि सर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। देखो बेटा, मैं इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, आप भी बनाइएगा। ये मैं पी ले रहा हूं, यहां मैं क्यू ले रहा हूं। जहां डिमांड सप्लाई के बराबर आ जाए, डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाए। यहां भी बेटा चार डायग्राम बना लीजिए जल्दी से इक्विलिब्रियम के, चार डायग्राम इक्विलिब्रियम के बना लीजिए जल्दी से, जल्दी से बेटा, फिर एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला काम आप लोग इक्विलिब्रियम बना लीजिए, फिर एक एक कर समझाऊंगा, फिर एक एक कर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कोई बेटा फोटो नहीं ले रहा इसका, पहले आप डायग्राम बनाएं, कॉपी में बनाएं। जब तक आप बनाकर नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये चार डायग्राम बना लीजिए बेटा, नीचे तो आ जाएगी क्वांटिटी, नीचे आ जाएगी क्वांटिटी। और यहां पर ले लीजिए बेटा प्राइस, जल्दी से चारों डायग्राम बनाएं, जिसके बन जाए जल्दी से मुझे बताएं कि सर हमारे बन गए हैं,
डायग्राम जिसके बन जाएं जल्दी से मुझे बताएं। सर हमारे डायग्राम बन गए हैं, जल्दी चारों डायग्राम बनाए बेटा, फटाफट चारों डायग्राम बनाएं और जिसके बन गए हैं वो मुझे बताएं कि सर हमारे बन गए हैं। जल्दी से चारों डायग्राम एक जैसे हैं, इनमें चेंजेस आएंगे बेटा तभी आपको समझ में आएंगे। मेरे साथ साथ करेंगे काम, मेरे साथ साथ बनाएंगे बेटा डायग्राम। जल्दी से बेटा फटाफट फटाफट लिख दीजिए और फिर हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे आगे। सभी बच्चों के जवाब चाहिए बेटा मुझे कि सर हमने बना लिए। जब आपके सामने बने हुए होंगे तो ही आप समझ पाएंगे एक एक चीजें बारीकी से। एक चीजें बारीकी से समझ पाएंगे बेटा आप लोग, जल्दी करिए। बस अभी तक नव्या ने लिखा है, बाकी बच्चे बेटा सिर्फ नव्या ने कॉपी किया, बाकी बच्चों ने कॉपी नहीं किया। खुशी ने भी बना लिया है। चलिए अब डिमांड ज्यादा आ रही है, क्या करूं बेटा? देखो जब डिमांड ज्यादा आती है, जब डिमांड ज्यादा आती है तो क्या किया जाता है बेटा? डिमांड जब ज्यादा आ रही होती है तो क्या करोगे आप? प्राइस बढ़ाओगे या घटाओगे? आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा आ रही है, आप क्या करोगे राजा बेटा? मैं सामान बेचता हूं और मेरे सामान की डिमांड बहुत ज्यादा आती है तो मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? जल्दी बताओ। डिमांड ज्यादा आ रही है, इंक्रीज हो रही है मेरी डिमांड, तो मैं प्राइस बढ़ाऊं या घटाऊं? जल्दी बताओ। एक रेशनल प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचकर बताएं कि डिमांड बढ़ने से आप प्राइस बढ़ाओगे या घटाओगे? वेरी गुड नव्या एंड सुमित, प्राइस बढ़ जाएगा। वेरी, प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए प्राइस मैंने बढ़ा दिया, डिमांड मेरी ज्यादा आ रही थी, सप्लाई की मैं बात नहीं कर रहा अभी। P1 Q1 क्लियर है? P1 Q1 ये मेरा नया डिमांड कर्व बन गया, ये मेरा क्या बन गया? नया डिमांड कर्व D1, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो बेटा क्या हो गया? डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D2 D1, क्लियर हुआ? डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D2 D1, क्लियर है? क्लियर हो बेटा ये वाला पॉइंट? हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर हुआ बेटा। डिमांड ज्यादा आ रही थी तो मैंने प्राइस क्या कर दिए? बढ़ा दिए। बढ़ाने से डिमांड शिफ्ट हो गई, शिफ्ट फ्रॉम D2 D1, ठीक। अब राजा बेटा यहां डिमांड कम आ रही है, डिमांड कम आ रही है तो बताओ बेटा, बताओ प्राइस का क्या करूं मैं? जब डिमांड कम आएगी तो प्राइस का क्या करूं? खुशी खुशी नव्या सुमित वानी जल्दी बताइए बेटा। कशेश आकांक्षा, डिमांड कम आ रही है, जो सामान मैं बनाता हूं बेचता हूं उसकी डिमांड कम आ रही है, कोई खरीदना पसंद नहीं कर रहा, तो मैं प्राइस का क्या करूं? सर घटा दो सर, प्राइस घटा दो। लालची कंज्यूमर होता है, सस्ता प्राइस देखकर आ जाएगा। प्राइस मैंने कम कर दिया, P2 Q2, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये नई डिमांड बन गई। D2 बैकवर्ड शिफ्ट हो गया और ये मेरा हो जाएगा E2। यहां पर डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी, यहां पर डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया? बोलो राजा बेटा, क्या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ, हमें क्लियर हो गया। और पढ़ाओ,
आसान है या नहीं है, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम बना देना, सबसे पहला काम इक्विलिब्रियम बना देना, उसके बाद सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपको, होती चली जाएंगी। अब राजा बेटा यहां पर आओ, इंक्रीज सप्लाई बढ़ रही है, मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ बेटा, मैंने बहुत सारा सामान खरीद कर रख लिया था, अब वो सामान बिक नहीं रहा, क्या करूं, बहुत सारा सामान मैंने अपने गोडाउन में रख दिया था, वो सामान बिक नहीं रहा, क्या करूं, बोलो बेटा बोलो क्या करूं, मेरी दुविधा का कोई सॉल्यूशन निकालिए आप लोग, कि मेरे पास बहुत सारा माल सप्लाई का गोडाउन में पड़ा हुआ है। आप जानते हो बेटा सेल और सप्लाई अलग कॉन्सेप्ट है, जिसने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैंने बताया था सेल और सप्लाई दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, माल मार्केट में आना इज नोन एज सप्लाई, जब बिक जाएगा देन इट इज सेल। तो कोई बच्चा ये ना सोचे तो सप्लाई ज्यादा हो रही है, सप्लाई बेटा माल बहुत ज्यादा मेरे पास मार्केट में ले जाने के लिए, लेकिन वो बिक नहीं रहा, सप्लाई बहुत ज्यादा है तो मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, प्राइस कम करना, P1 Q1। अब मेरी ये रही सप्लाई, ये नया सप्लाई पर बन गया S1, ये मेरा हो गया E1। सप्लाई क्या हो गई बेटा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, हो गई सप्लाई फॉरवर्ड शिफ्ट, बोलो बोलो ना। अब चलिए बेटा समझ में आया, यहां पर सप्लाई कम है, मेरे पास माल कम है, माल आता है आते ही बिक जाता है, मेरे पास माल आते ही बिक जाता है, मेरे पास माल कम है, तो बेटा प्राइस का क्या करूं, बोलो ना प्राइस का क्या करूं, बोल राधा बोल प्राइस का क्या करना है, बोल राधा बोल, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाने के लिए प्राइस क्या करूं, सर सर प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो, देखिए प्राइस बढ़ा दो, P2 Q2, ये मेरा नया सप्लाई कर बन गया। S2, ये मेरा हो गया E2, यानी सप्लाई कर क्या हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट। सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो वो ही कह रहा था इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स से प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मोहब्बत करो बेटा मोहब्बत, इकोनॉमिक्स को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड लड़का उड़का नहीं बनाओ, लड़की उड़की गर्लफ्रेंड मत बनाओ, इकोनॉमिक्स को अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाओ, मोहब्बत तो करके देखो आप सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट आपसे मोहब्बत करने लगेगा। समझ में आया बेटा नहीं आया जल्दी बताओ, बेटा समझ में आया जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं व्हाट्सएप पे लिख कर दूंगा, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन चारों डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक्सप्लेनेशन व्हाट्सएप कर दूंगा। लिखना कैसे, लिखने के डायग्राम की क्या बना, ये डी था जैसे पहले लिखोगे ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस था, ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, डी ओरिजिनल अप्लाई सप्लाई कर था, एस ओरिजिनल सप्लाई कर था, द इंटरसेक्टेड पॉइंट ई इक्विलिब्रियम प्राइस, आफ्टर प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी वन, द न्यू डी वन इंटरसेक्ट ओरिजिनल सप्लाई कर एट पॉइंट ई वन, द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओ पी वन इज अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू वन इज अ न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इस तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूंगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक बातें क्लियर हुई, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा, फिर इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ाते हैं, साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ेंगे फिर, साइमल्टेनियस इंक्रीज एंड डिक्रीज रख कर दो बेटा जल्दी से, 30 सेकंड और दे रहा हूं कॉपी करिए, 30 सेकंड और दे रहा हूं उसे कॉपी करिए बेटा, चेन इफेक्ट पढ़ा दिया मैंने डिमांड एंड सप्लाई का,
साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड सप्लाई। अब तक तो हमने डिमांड सप्लाई में क्या पढ़ा बेटा, अलग अलग चेंज पढ़ा। अब तक हमने क्या पढ़ा, सप्लाई डिमांड में अलग अलग चेंज पढ़ा। अब बेटा साइमल्टेनियस चेंज पढ़ेंगे, यानी एक साथ चेंज। जब क्या होगा, एक साथ चेंज होगा। डिमांड एंड अनदर वन इज सप्लाई। डिमांड सप्लाई में इस बार हम साइमल्टेनियस चेंज पढ़ेंगे। तो राजा बेटा सबसे पहला काम आप इक्विलिब्रियम बनाइए मेरे लिए जल्दी से। तीन इक्विलिब्रियम यहां पर बनाइए, तीन इक्विलिब्रियम यहां पर बनाइए जल्दी से। इक्विलिब्रियम बनाने तीन। बन जाएंगे नहीं बने, तीन इक्विलिब्रियम बन जाएंगे नहीं बने वो तो आप बनाइए, शुरू से बनाइए। बन जाएंगे जल्दी से इक्विलिब्रियम बनाओ। जल्दी से बेटा इक्विलिब्रियम बनाइए फटाफट, इक्विलिब्रियम बनाना आता है आपको। प्राइस क्वांटिटी नीचे लिख दीजिएगा, जिसका बन के आएगा जल्दी से डन लिखकर भेजे, फिर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम आप क्या बनाएंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे। सबसे पहला काम होता है आपका, ये सबसे पहला काम होता है कि आप इक्विलिब्रियम बनाएंगे। क्लियर है? अब पहला डायग्राम जो होगा वो कंज्यूमर के हिसाब से बनेगा, या सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। दूसरे में सप्लाई इज लेस देन डिमांड, या यहां पर ऐसा कर लेते हैं, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तीन केस बनेंगे बेटा, तीन केस। कौन कौन से? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तीन केस। जो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है ये आप प्रोड्यूसर के हिसाब से बनाइएगा। क्लियर? ये सॉरी इक्वल टू हो गया ना, यहां सप्लाई जाता है। ये तीन केस, ये तीन केसेस हो सकते हैं। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, लेस देन सप्लाई, ग्रेटर देन सप्लाई, इक्वल टू सप्लाई। हाँ, चेंज कर दिया राजा, चेंज कर दिया।
अब देखिएगा, पहला पॉइंट प्रोड्यूसर के हिसाब से बना रहा हूं, प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा, एक कंज्यूमर के पॉइंट से बना रहा हूं, कंज्यूमर के हिसाब से बना रहा है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या होता है बेटा, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस घटने पर, यहां लिख लेते हैं, प्राइस घटने पर डिमांड क्या हो जाती है ज्यादा, और प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है कम, यही होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने प्राइस कम कर दिया, डिमांड क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ये मेरा नया सप्लाई कर्व बन जाएगा, ये S1 हो गया और ये मेरा नया डिमांड कर्व बन जाएगा, ये D1 बन गया, ये D था, ये D1 बन गया और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ, यानी इस बार दोनों में चेंज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हुई और डिमांड भी, बस गैप किस में ज्यादा है बेटा, डिमांड में गैप ज्यादा है या सप्लाई में ज्यादा है बताओ, सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज तो हुआ लेकिन सप्लाई में डिमांड से ज्यादा चेंज हुआ। यानी पहला डायग्राम आप किसके हिसाब से बनाएंगे, कंज्यूमर के हिसाब से, पहला डायग्राम किसके हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से। सेम काम आप बेटा कहां करें, यहां पर करें, इस बार बेटा सप्लाई क्या करनी है, मान लो सप्लाई क्या करनी है, ये तो इंक्रीज पढ़ रहे हैं, ये मान लो हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज और यहां पढ़ रहे हैं हम लोग डिक्रीज, ये अंदर ही लिखो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक। अब प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम करनी है, कर दो, प्राइस बढ़ा दो, पी टू क्यू टू, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा हो गया सप्लाई कर एस टू, और ये बेटा हो गया मेरा डिमांड कर डी टू। अब देखिए दोनों की दोनों डिक्रीज हो गई और ये मेरा हो गया E2, दोनों की दोनों डिक्रीज हो गई, गैप किसमें ज्यादा है, दोनों की दोनों डिक्रीज हो गई लेकिन गैप किसमें ज्यादा है बेटा, सप्लाई में। तो पहला डायग्राम किसके हिसाब से बनाया आपने, कंज्यूमर के हिसाब से, दूसरा डायग्राम बेटा प्रोड्यूसर के हिसाब से बना दिया। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या क्या होता है, कब डिक्रीज होती है बेटा, सप्लाई कब बढ़ती है, बताइए कब बढ़ती है सप्लाई, जब प्राइस क्या होता है ज्यादा, और कब घटती है सप्लाई, जब प्राइस क्या होता है कम। अब बनाइए बेटा, प्राइस बढ़ाइए, प्राइस बढ़ाया, पी वन क्यू वन, ये मेरा D1 बन गया और ब्राजा बेटा ये मेरा S1 बन गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब दोनों की दोनों बेटा इंक्रीज हो रही है लेकिन गैप किसमें ज्यादा है बेटा, सप्लाई में या डिमांड में, गैप किसमें ज्यादा है जल्दी बताओ, ये सप्लाई कर था और ये S1 ले लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते, दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन गैप किसमें ज्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सेम काम कहां करेंगे बेटा, यहां पर प्राइस कम कर दीजिए, प्राइस कम करेंगे प्राइस कम करेंगे क्वांटिटी कम, पी टू क्यू टू। अब क्या होगा बेटा, ये तो बन जाएगा मेरा सप्लाई पर S2
और ये बन जाएगा राजा बेटा मेरा D2, यानी डिमांड भी घट गई सप्लाई भी घट गई और ये मेरा इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। दोनों में डिक्रीज हुआ लेकिन सप्लाई में कम चेंज है एज कंपेयर टू डिमांड। और तीसरा डायग्राम बेटा कांस्टेंट प्राइस को क्या मानना आप, प्राइस को कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट होता है तो एक बार डिमांड सप्लाई बढ़ा देना, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है और यहां भी डिमांड एंड सप्लाई एक बार घटा देना, कब कब घटती है बेटा, बढ़ती, सो यहां बढ़ानी है और यहां पर घटा देना, घटती कब है बेटा, जब कौन सी कंडीशन होती है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन, और बढ़ती कब है जब क्या होती है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन होगी तो डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल होगी तो डिमांड सप्लाई घट जाएगी और प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस को कांस्टेंट करना, ये Q1 आ जाएगा, ये मेरा S1 आ जाएगा, ये मेरा D1 आ जाएगा, ये मेरा नया इक्विलिब्रियम। सप्लाई भी बढ़ गई डिमांड भी बढ़ गई लेकिन दोनों में गैप क्या बेटा बराबर। सेम उसी प्रकार बेटा आप आगे बनाइएगा, इसमें कांस्टेंट लेकिन इसमें क्या करना है डिक्रीज करना है। Q2, ये मेरा D2, ये मेरा S2, दोनों क्या होगा बेटा डिक्रीज हो गए और ये मेरा बन जाएगा E2, मेरा क्या बन जाएगा बेटा E2 बन जाएगा, इक्विलिब्रियम 2, दोनों में सेम गैप। ये साइमल्टेनियस है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है एग्जाम में, एग्जाम में क्या आ जाता है इनका एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। जल्दी करिए बेटा, इससे पहले जो पढ़ा था वो अलग अलग पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था अलग अलग पढ़ा था लेकिन सेम भी आ जाता है, अलग अलग पढ़ा था लेकिन एक साथ इंक्रीज डिक्रीज वो पूछ लेता है। बन गए बेटा डायग्राम, बन गए। चलिए बेटा कुछ एक्सेप्शनल केस और पढ़ते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस और हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। ये सारे डायग्राम आपकी बुक में बन जाने चाहिए बेटा, जगह मैंने स्पेस वहां पर दे रखा है, सारे डायग्राम बन जाने चाहिए, एक्सप्लेनेशन हम लिखवा देंगे, एक्सप्लेनेशन की चिंता ना करें आप लोग, एक्सेप्शनल केसेस है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं एक्सेप्शनल केस, कुछ डिमांड के हैं और कुछ सप्लाई के हैं, कुछ डिमांड के हैं और कुछ सप्लाई के हैं, कुछ डिमांड के हैं और कुछ केसेस सप्लाई के हैं। When demand is perfectly elastic, या perfectly inelastic, उसी प्रकार supply भी क्या हो सकती है बेटा परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली
इन इलास्टिक। यानी इलास्टिसिटी यहां पर क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, यहां पर जीरो होती है, यहां पर इन्फिनिटी होती है और यहां पर जीरो होती है। यानी यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनेगा, यहां पर वर्टिकल डायग्राम बनेगा, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल और यहां पर वर्टिकल, या इसे दोबारा लिख लेते हैं, ES इज इक्वल टू जीरो, ES इज इक्वल टू इंफिनिटी, ED इक्वल टू जीरो और ED इक्वल टू इंफिनिटी। क्या ये सारी चीज पता है आपको, नहीं पता, जल्दी बताओ, ये सारी चीजें आपको पता है नहीं पता है, बताइए बेटा। ED इक्वल टू इंफिनिटी होती है जब इलास्टिक हो, और इन इलास्टिक में क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक में जीरो होती है। डायग्राम आप सबको आते हैं, जल्दी से मेरे लिए पहले डायग्राम बना दीजिए, जल्दी से मेरे लिए पहले डायग्राम बना दीजिए। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, और दूसरा केस बेटा डिक्रीज का भी हो सकता है। उसी प्रकार परफेक्टली इलास्टिक में पहला केस इंक्रीज का हो सकता है, दूसरा केस डिक्रीज का हो सकता है। सेम विद दिस, पहला केस इंक्रीज का, दूसरा केस डिक्रीज का। यहां भी बेटा फर्स्ट केस इज फॉर इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा केस डिक्रीज इन सप्लाई। ये केसेस बन सकते हैं, ये सारे केसेस हो सकते हैं। जल्दी से डायग्राम बना दीजिए पहले आप, फटाफट डायग्राम बनाइए। यही डायग्राम होते हैं बेटा, जल्दी बताओ, यही डायग्राम होते हैं ना। यहां पर ट्रायल ले लीजिए, नीचे क्वांटिटी, जल्दी से डायग्राम बनाए बेटा साथ साथ।
नहीं बेटा, बस लास्ट टॉपिक है, इसे क्या करा लेना समय, इसके लिए अलग से क्या लेना, लास्ट टॉपिक है बेटा, जरा सा बचा हुआ, परेशान मत, परेशान नहीं हो, जरा सा टॉपिक बचा है बस, 7 दिन बेटा, 7 दिन, जल्दी से डायग्राम बना बेटा, फटाफट फटाफट डायग्राम बनाइए जल्दी से। ये डिमांड है बेटा, और ये मैं ले लेता हूं सप्लाई। आप जानते हैं सप्लाई ऐसी होती है, अब यहां पर सप्लाई को इंक्रीज करना है, ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा, S1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा E2 या E1 मान लीजिए, ये मेरा क्या हुआ बेटा, इक्विलिब्रियम, यानी ये डिमांड कर्व था, ये क्या था, डिमांड कर्व फॉरवर्ड से हम मान के चल रहे हैं, ये मेरा क्या था, सप्लाई कर था, ये मेरा इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई, डिमांड तो यही रहेगी, सप्लाई ये मेरा E1 बन जाएगा, S1 यहां बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यहां तक बताइए, जब डिमांड कर क्या बेटा, परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड कर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और टेढ़ी लाइन खींचनी है तो टेढ़ी खींच लीजिए थोड़ी सी, ब्लैक ये मेरा पहला मान लो सप्लाई कर था S, ये मेरा इक्विलिब्रियम, लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो गई, S1 बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, ये मेरा E2 हो गया, क्योंकि सप्लाई कर क्या होती है बेटा, इस तरह से करती है। उसी प्रकार बेटा अगर हम आगे चलेंगे तो कोई बच्चा बताएगा आगे में क्या करें बेटा, आगे में क्या करें बताओ, ये डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम था, अब सप्लाई क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, अब सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम था, अब सप्लाई क्या कर दी मैंने, इंक्रीज, S1 कर दी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, ये मेरा E1 हो गया, ठीक है जी, या E2 मान लो, जो आपको मानना है, जो आपकी श्रद्धा देती है। अब सेम विद दिस, ये मान लो मेरी सप्लाई कर थी, S था, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब सप्लाई डिक्रीज हो गई, ये S1 हो गया, ये E1 हो गया, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गई, मतलब एक्सेप्शनल केस है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बेटा यहीं पर आप बात करें तो अब इन्हें भी आप बना सकते हैं, डिमांड कर्व ऐसा, देखो ये इस तरह से जा रहे हैं, डिमांड कर्व को इस तरह से कर दीजिए, ये मेरा पहला डिमांड कर्व था, दूसरा ले लेते हैं, ये मेरा पहला डिमांड कर्व था, ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, अब डिमांड इंक्रीज हो गई तो ये मेरा D1 हो गया या D2 मान लो, और ये मेरा हो जाएगा E2, इक्विलिब्रियम हो गया, बढ़ गया। और यहां पर भी बेटा सेम, ये मेरा डिमांड कर्व था, ये मेरा क्या था, डिमांड कर्व था, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब डिमांड क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई, D2, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, और ये मेरा E2 बन जाएगा, ये मेरा E2 बन जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर भी सेम देखिएगा, बताइए यहां पर आप इस तरह से बना लेंगे नहीं बना लेंगे बताओ, बताइए बेटा डायग्राम बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, फटाफट बताइए फटाफट जल्दी से मुझे,
ये मेरा डिमांड था, ये D2 हो गया फॉरवर्ड से, ये मेरा E था, ये मेरा E2 हो गया। कुछ नहीं करना बेटा, जो सप्लाई करते हैं उसी का उल्टा करो। सेम विद दिस, ये मेरा डिमांड कर्व था, ये मेरा इक्विलिब्रियम। डिमांड क्या हो गई कम, डी टू, ये मेरा हो गया ई टू बैकवर्ड से। ये कुछ एक्सेप्शनल डायग्राम है जो वास्तव में नहीं होते, तो जिनके स्कूल में कराए जाएं, जिनके स्कूल में कराए जाएं वो कर लीजिएगा, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बुक में बेटा बहुत सारे डायग्राम, बेटा आज हमने पढ़े 4 और 6, 14 और 8, 22 डायग्राम्स पढ़े, और 3 डायग्राम मैंने कल कराए थे, यानी 25 डायग्राम्स हैं इस चैप्टर में। टोटल 25 डायग्राम है बेटा। क्या आप लोग कंप्लीट कर लेंगे सारे? जिसने कंप्लीट नहीं करे हैं वो वीडियो देखें दोबारा और दोबारा कंप्लीट करिएगा। 30 सेकंड में दे रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं दोबारा करा दूंगा। जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से, मैं 20 सेकंड और आपको दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी करें और मुझे डन लिखें। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर मैंने कल वाले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, कल वाले लेक्चर में प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों पढ़ा दिए गए थे। चैप्टर में बेटा मेनली डायग्राम्स है, चैप्टर में मेनली डायग्राम्स है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।